हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा वी शेप रिकवरी देखने को मिली और अच्छा कैप अप हुआ था, लेकिन सेकंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली सपोर्ट से। तो चलिए देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, कौन से लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकते हैं और क्या टारगेट हो सकते हैं। तो चलिए, ये है निफ्टी का चार्ट जो कि डेली का है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो किस तरह से यहाँ पे एक अच्छी खासी विक बनाई है आज निफ्टी में, स्टार्टिंग में काफ़ी बड़ा गैप अप होने के बाद। जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि गैप अप होगा और हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखेंगे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें यहीं पर 18,100 के अराउंड जब ये पहुँचा था तभी हमें देखने को मिली थी। अभी हम 15 मिनट्स के चार्ट पे चलते हैं। तो देखिए, इसी लेवल पे ही जो है बायर्स अभी काफ़ी एग्रेसिव हैं। तो कल के लिए जो हमारे लेवल्स होंगे वो सेम यही होंगे कि मार्केट अगर इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो ही हम बाय करेंगे। गैप अप होता है तो हम एक प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, और अगर फ्लैट होने के बाद मार्केट अगर इस सेम ये 18,100 के नीचे एक हमें प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो ही हम सेल करेंगे। ये जो बीच का एरिया है ये एक अच्छा वोलेटिलिटी वाला एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहें तो एक बहुत ही छोटे से ही स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रिस्क है। लेकिन अभी अभी भी मार्केट जो है वो रेंज बाउंड ही है मोस्टली। अगर आप देखें तो ये एक रेंज में ही चल रहा है और मार्केट में अभी तक डिसीजन पेंडिंग है कि ये अपसाइड जाएगा या फिर डाउनसाइड जाएगा। जैसे ही ये जब ये एक एक दिन ये ट्रेंडिंग होने वाला है, इसी एक्सपायरी से पहले एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिलेगा और उसी में ही हमें पता चल जाएगा कि अभी मार्केट किस साइड मूव करने जा रहा है। तो अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देते हुए ऊपर के लेवल पे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें 20,000 के लेवल भी आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी जो मार्केट का जो ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है वो यही लेवल है 18,300, और इस लेवल के आसपास ये सस्टेन कर रहा है तो बहुत हाई चांसेस है कि ये इस लेवल को टच ज़रूर करेगा ही करेगा अब इस बार। और यहाँ से एक छोटा सा हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और उसके बाद एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से हम कल का दिन प्लान कर सकते हैं। हमें गैप अप पे प्राइस एक्शन का वेट करना है और गैप डाउन में आपको यहाँ पे सपोर्ट अगर मिलता है तो यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ये लेवल भी अभी काफ़ी बड़ी टच हो चुके हैं और हमें यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस ट्रेंड लाइन का भी ध्यान रखते हुए हमें देना है कि ये जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे ब्रेक डाउन हुई थी तो रीटेस्ट के टाइम पे ये यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन है वो फेल हो गया था, तो यहाँ पे अभी बायर्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कल क्या होता है मार्केट में। तो इस अगर आपको यहाँ पे वीडियो में समझ आ रहा है या फिर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल, और आप पुराने वीडियोस भी मेरे चेक कर सकते हैं और बैक टेस्टिंग कर सकते हैं उनके थ्रू। और जो मैंने ये लास्ट वीक में ये जो स्टॉक दिया है गैब्रियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, इसका एनालिसिस आप ज़रूर देखें, वीडियो तो आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग भी मिलेगी। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।